हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली लास्ट सेरेफिम का सॉन्ग, हम फुल्ली एक्साइटेड है। और लास्ट टाइम जब लास्ट सेरेफिम का सॉन्ग आया था, तब हम शायद रिएक्ट नहीं करते थे। जब आया था तो टाइम पे नहीं कर पाए थे। हमको लास्ट सेरेफिम का सॉन्ग नहीं पता क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब लास्ट सेरेफिम को एज अ लाइव बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, एज अ के पॉप इंडस्ट्री में अभी फ़िलहाल तो किया ही जा रहा है। क्योंकि एक तो बिग हिट अपना गर्ल ग्रुप को रुइन कर ही देता है, बट ये बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे दिखाता है कि लाइव में ये लोग का वोकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बट एट अ एंड ऑफ द डे हमको म्यूज़िक पसंद है ये लोग का, तो लेट्स गो क्रेजी। आया, हम एक्साइटेड है सुनने के लिए। और हाँ, हम एक चीज़ और बोलना चाह रहे थे, ये क्या नाम है वो ग्रुप का, भूल गए। एक सेकंड, लेट मी चेक हिस्ट्री। किस ऑफ लाइफ, किस ऑफ लाइफ के पॉप गर्ल ग्रुप है, ठीक ना। हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम जो गेम रोज खेलते हैं वैलोरेंट, ठीक ना, वो गेम पे वो लोग का एक सॉन्ग आया सुपर पावर बोल के, उस पर भी रिएक्ट करेंगे। हम सुन चुके हैं बट फिर से रिएक्ट करेंगे, और उसको वो लोग और भी सॉन्ग जो है रिएक्ट करेंगे। क्योंकि गेम में कोलैबोरेशन होने के बाद, सुनने के बाद कोई सॉन्ग अच्छा लग जाता है, हम जाके तुरंत एक्सप्लोर करते हैं। वैसे हमको एलन वॉकर के बारे में भी हमको वैसे ही पता चला था। फिर वैसे ही सब्रीना कारपेंटर भी वैसे ही एक होता है सॉन्ग में थी, पर हमको पता नहीं था उनका नाम, बट लेटेस्टली जब सुने तब पता चला। तो लेट्स गो, सॉन्ग का नाम है क्रेजी, लेट्स गो। Act like an angel and dress like crazy. Oh, the girls are yelling, yelling. Oh, the girls are yelling. ये वही है, एंड आई एम एंटी फ्रेजल, आई एम एंटी फ्रेजल स्टार्टिंग में था ना, सेम वाइब्स आ रहा Dress like crazy. Oh, the girls are yelling, yelling. Oh, the girls are yelling, yelling. Oh, the girls are है। yelling, yelling. Oh, the girly girls. वो हमको लगा मेरा पीसी लैग किया क्या। गैलिंग का मतलब क्या होता है भाई? गगल हैज मल्टीपल मीनिंग्स, टू होल्ड अ लिक्विड इन अ माउथ थ्रोट। ओ गार्गल, also refer to a surname that from Garling German or variant। बहुत अलग अलग मीनिंग है इस गार्लिंग का। Act like an angel, dress like crazy. Act like an angel and dress like crazy. ना, हमको नहीं पता हो, वाइब नहीं आ रहा ये सॉन्ग से।
dress like crazy. ये लोग आइडियाज के लोग, ये लोग का दिमाग में नहीं, ये लोग शॉर्ट सर्किट कर गया, लिटरली क्रेजी सॉन्ग बना रहा है। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सॉन्ग में, और नहीं पता ये सॉन्ग किस जॉनरा में बिलोंग करता है, ये लोग खुद को भी नहीं पता। Literally meaningless song tha. Hey, give me 20 push-ups. Kuch sense nahi banaya bhai. All the girls are girling, all the girls are girling. Bol bol ke pura unka music khatam ho gaya. Oh, ये कुछ ज़्यादा सेंसेस म्यूजिक था ये। ये हम लोग कहाँ आ गए भाई? ओए ओए बजन नहीं चालू हो जा, रुक जाओ। ये लिटरली आधा सॉन्ग गर्लिंग है। एक चीज बोलेंगे, देखो 2 मिनट का सॉन्ग है, 2 मिनट 40 सेकंड का, 2 मिनट 50 सेकंड का सॉन्ग है, ठीक है। ठीक है, 30 सेकंड स्टार्ट होने में लग गया। यहाँ से फिर कोरस, प्री कोरस स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब देखते अरे बाप रे कोई तो ये लोग को भाई कॉन्सेप्ट दो, कोई तो ये लोग को मतलब कुछ भी करो। मतलब लिटरली वो हाँ मेरे पास अब तो नहीं है इतना सेंसलेस म्यूजिक का। मतलब ये रिदमिक भी नहीं है ना, जो कोरस बना है उसका माइंड में क्या, ये पता कैसा लग रहा है, ये कोई एड के पीछे आता है ना, ता रात एक एप्पल जूस का लोगो आ गया या एप्पल जूस का बोतल आ गया घूम के, वो उस काइंड ऑफ म्यूजिक लग रहा है जो एकदम जल्दी हड़बड़ी में कमर्शियल म्यूजिक एकदम हड़बड़ी में बनाया जाता है, उस टाइप का लग रहा है। कोरस भी हम, कोरियो भी अच्छा, मतलब कुछ खास नहीं है। हम ये चीज अगर एक्सजी करती ना तो हम एक्सपेक्ट करते कि ये चलो ठीक है, क्योंकि एक्सजी का पूरा यही रहता है कि वो लोग वियर्ड थिंग करती है, पर ये चीज लास्ट एरिफेम से एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो लोग का सॉन्ग, ये लोग का सॉन्ग ऐसा नहीं रहता ना लास्ट एरिफेम का। लास्ट एरिफेम का अगर बोला जाए, जितना भी सॉन्ग देखोगे लास्ट एरिफेम का, अगर लास्ट एरिफेम का जितना सॉन्ग देखो, हिट एकदम हार्ड हिटिंग सॉन्ग से रहता है, एकदम हल्का सा डिल ब्रीट वाला ड्रिल जो बीट होता है वो वाला सॉन्ग आता है। देखो ना हर एक सॉन्ग में, हर 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 सॉन्ग, जितना भी सॉन्ग है हम ये अभी तक नहीं सुने। और कहाँ हो गया, इजी हो गया, फिर हम परफेक्ट नाइट भी नहीं सुने, फिर अनफॉरगिवन भी सुने। देखो ना फिर एक हो गया, ये भी नहीं सुने, फियरलेस भी हो गया, what you looking at?
देख रहे हो ये कितना, मतलब एक होता है ना सॉन्ग का एक, मतलब ये सॉन्ग का एकदम होता है कि तुम वाइब कर सकते हो, बट ना ये सॉन्ग हम लिटिल डिसअपॉइंट किया हमको। पता है ये सॉन्ग लिटरली हम अगर एक्सजी की तरफ से आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सजी इस टाइप का सॉन्ग बनाती है वो लोग, बट ना इस ये किसके साथ किया है यार, थॉट्स है लासर एफएम के तरफ। जिम हेलो लास्ट थिंग एक्सपेक्ट किए तो वो टपके का। अब यहाँ हैशटैग जीत भी लिखा हुआ, हम नोटिस नहीं किए। सॉन्ग जैसा भी था मूड बेटर कर दिया, जिन जिनको देख के मूड बेटर हो गया। ओ भाई थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। ओ आ भाई मतलब एक्जिक से मतलब होता है ना कि जो वाइब आता है जो सॉन्ग हम लोग सुने ठीक है, पर लास्ट एरे फिल्म का जो एक्सपेरिमेंटल फेज अभी तक तो एंड होना हो जाना चाहिए था ना, ये साउंड चेंज करो, बट ऐसा लग रहा है ये लोग ये साउंड में पहली बार आई है और हक दिया गू कर दिया ये लोग, मतलब इतना बड़ा लेवल के साथ मतलब ये लोग कोलैब किया हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है लिटरली। बिग हिट अपना गर्ल ग्रुप को फोकस नहीं करता, नहीं पता क्यों, बट जनरली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और हमको रिकमेंड करते रहना और हम सुनते रहेंगे और भी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा। चलते हैं, मेरे दिमाग में बज रहा ऑल द गर्ल्स आर गर्लिंग। और हाँ मेरे बाल के बारे में बहुत जन बोल रहे थे नीचे करे तो अलग लग रहा है, तो हमको नहीं पता अच्छा लग रहा है कि नहीं, बट ऊपर कर रहे तो हमको और वियर्ड, वापस वो वाला होता है ना कि बहुत बेसिक हो जाता है ऊपर जब रखते हैं, पसंद ही चेंज हो जाते हैं मेरा 48 के दिखने के बाद, देख रहे हो उस तो कुछ दिन तक ऐसे रखेंगे, हमको पसंद आ रहा है, इजी रह रहा है मेरे को मेंटेन करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।